हेलो और नमस्ते। आप सभी का हमारे नए कार्यक्रम स्टीम बोट्स में स्वागत है। मैं हूँ सुरवी और होनी बाबा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन में एनवायरमेंटल एजुकेशन को लेकर काम कर रही हूँ। इसके अलावा मुझे मूवीज देखना बहुत ही पसंद है, स्पेशली साइंस फिक्शन मूवीज। क्या आपको मूवीज देखना पसंद है? मुझे यकीन है कि जरूर होगा। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे फिल्म के बारे में जिसमें बहुत सारा साइंस फिक्शन यानी काल्पनात्मक विज्ञान तो है ही, साथ ही साथ विज्ञान या साइंस भी है। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। बचपन से आप सभी ने कई सुपर ह्यूमंस या सुपर हीरोज की कहानियां पढ़ी या देखी होगी। सुपर ह्यूमंस और उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्तियां, पावर्स हम सभी को पसंद आती है और यही सोचते हैं कि काश अपने पास भी ऐसा कोई सुपर पावर होती। तो आपका फेवरेट सुपर ह्यूमन कौन है? आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। मेरी तो फेवरेट है वंडर वुमन, जो कि एक फिक्शनल अमेजन आइलैंड की निवासी है और उनको ग्रीक देवताओं ने पावर्स दिए हैं। अब वंडर वुमन जैसे पावर्स मेरे पास होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि मैं पृथ्वी की एक आम निवासी हूँ। लेकिन स्पाइडरमैन की कहानी मेरी उम्मीद को जिंदा रखती है कि मैं किसी दिन स्पाइडरमैन जैसे पावर्स हासिल कर सुपर ह्यूमन बनूंगी। 2012 की फिल्म द अमेजिंग स्पाइडरमैन की कहानी पीटर पाकर नामक एक पात्र आदमी की इर्द गिर्द घूमती है, जो कि एक अनाथ है और विज्ञान यानी साइंस में रुचि रखता है। फिल्म में पीटर पाकर एक एग्जीबिशन देखने किसी लेबोरेटरी में जाता है और वहां उसे एक जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पाइडर या मकड़ी काट लेती है। इससे पीटर को मकड़ी की तरह सुपर एथलेटिक क्षमताएं मिलती हैं, जैसे कि सुपर ताकत और शार्प सेंसेस और रिफ्लेक्सेस। है ना ये मजेदार की बात? अब पीटर पाकर के हाथ में जो घड़ी है काफी अनोखी है। ये घड़ी उसका बनाया हुआ एक गैजेट, एक वेब शूटर है, जिसे वो अपनी इच्छा अनुसार डिजाइन का जाल बना सकता है। फिल्म में स्पाइडरमैन अपने वेब्स का इस्तेमाल करते हुए बड़ी ऊंचाइयों से कूदते हुए देखा जाता है और ये जाल उसके वजन और उसके साथ अन्य व्यक्ति का वजन को बड़े ही आराम से उठा लेता है। ये ठीक उसी तरह है जैसे कि मकड़ी अपने जाल का इस्तेमाल अलग अलग जरूरतों के लिए करती है। जाहिर है मकड़ी के काटने से जेनेटिक परिवर्तन नहीं होते, जैसे पीटर पाकर मकड़ी जैसी क्षमताएं हासिल कर लेता है, ये फिल्म का काल्पनिक हिस्सा है। पर गैजेट का आविष्कार भविष्य में असलियत बन सकती है, क्योंकि आर्टिफिशियल स्पाइडर सिल्क यानी कृत्रिम तरीके से मकड़ी का रेशम बनाने का उद्देश्य से अनेक वैज्ञानिक मकड़ियों के व्यवहार यानी बिहेवियर और क्षमताओं को समझने के लिए और जालों की रासायनिक संरचना यानी स्ट्रक्चर को समझने वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ये कुछ मजेदार मकड़ियों की फोटोज जो आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में खींची हुई है। आप देख सकते हैं कि एक पिक्चर में मकड़ी अपने शिकार को खा रही है तो बाकी अपने जाल में अपने शिकार का इंतजार कर रहे हैं। अब मकड़ी जाले कैसे बनाते हैं, क्यों जाले बनाते हैं, ये सब जानने के लिए आगे की वीडियो में चलिए देखते हैं। क्या आपको पता है मकड़ी के कितने पैर हैं या उनके पास एंटीने होते हैं कि नहीं? तो मकड़ी के पास होते हैं 8 पैर और इनके पास एंटीने नहीं होते। और सबसे जरूरी बात कि ये कीट या इंसेक्ट्स नहीं है, बल्कि ऐसे जानवर हैं जो कि क्लास एरेक्निडा से हैं, जिसमें बिच्छू यानी स्कॉर्पियंस, टिक्स और माइट्स भी होती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मकड़ियां अपने जाल कैसे बनाती हैं और क्यों बनाती हैं? मकड़ियां अपने जाल का निर्माण अनेक कारणों के लिए करती हैं, जैसे कि शिकार को फंसाने के लिए, प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन के लिए और अपने रहने के लिए घर और सुरक्षा के लिए। लेकिन कुछ मकड़ियाँ जो कि साइटोड्स नाम से जानी जाती है, जैसे वो जाले नहीं बनाती,
इसके बजाय वो एक चिपचिपा विषैला पदार्थ थूक के जरिए अपने शिकार पर फेंकती है, जो शिकार को पास के स्तर यानी सरफेस पर चिपका देता है और उसे पकड़ लेती है। विभिन्न प्रजातियों की मकड़िया द्वारा बनाए गए जालों के विभिन्न ज्योमेट्री डिजाइन देखने को मिलते हैं, जो कि एक जटिल यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्ब डिजाइन से लेकर सरल यानी सिंपल शीट डिजाइन तक हो सकती है। अब मकड़ी के जाल की ज्योमेट्री निर्भर करती है मकड़ी की जीवन शैली पर और उसके आसपास के वातावरण पर, यानी उसके हैबिट और हैबिटेट पर। जैसे कि ये फनल वेब बनाने वाली मकड़ी की प्रजाति ऑस्ट्रेलिया में बहुत पाई जाती है। ये खूंखार प्रकृति की होती है। ये वेब के खोखले हिस्से में अपने शिकार का इंतजार करती है और वेब के भी कोई कंपन से महसूस होती है, मकड़ी उस खोखले फनल जैसे एरिया से बाहर आकर अपने शिकार पर हमला करती है। जाल की संरचनाओं यानी ज्योमेट्री पर आधारित मकड़ियों का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण भी किया जाता है। किम ने पीटर पार्कर का गैजेट की कई तरह के वेब डिजाइन बनाने में काफी सक्षम है। अब एक सवाल आप सबके लिए, ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में दिखाई गई मकड़ी किस नाम से जानी जाती है और इसके अनोखे नाम का वजह क्या है? सोचिए सोचिए और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में डालने मत भूलिए। चलिए मैं बताती हूँ, ये ब्लैक विडो स्पाइडर है। ये मकड़ी काले रंग के होते हैं और मकड़ी के इस जाति में मादा की तुलना में नर बहुत ही छोटा होता है। मादा मकड़ी अपने साथी को मार देती है, इसलिए इन्हें ब्लैक विडो यानी विधवा कहा जाता है। अब कभी सोचा है कि मकड़ी जाल को किस पदार्थ से बनाती है? जाल का निर्माण मकड़ी के रेशम यानी स्पाइडर सिल्क से करते हैं। आमतौर पर एक स्पाइडर वेब बनाते समय विभिन्न उद्देश्यों के लिए 7 प्रकार के स्पाइडर सिल्क का उत्पादन कर सकती है, जैसे ड्रैग लाइन और फ्रेम बनाने के लिए मेजर एम्प्यूलर सिल्क, अंडे के केस बनाने के लिए सिलेंड्री फॉर्म सिल्क या शिकार को लपेटने के लिए एसिनीफॉर्म सिल्क। अब स्पाइडर सिल्क मकड़ी की रेशम ग्रंथियों में बनती है, यानी स्पाइडर सिल्क ग्लैंड्स में बनती है। एक मकड़ी में अलग अलग तरह के सिल्क ग्लैंड्स होती हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के सिल्क उत्पादन कर सकती हैं। मकड़ी के शरीर में 100 से भी हजारों ऐसे सिल्क ग्लैंड्स होते हैं। इस चित्र में अलग अलग रंगों से दिखाई गई अलग अलग सिल्क ग्लैंड्स हैं। इन सिल्क ग्लैंड्स में सिल्क तरल यानी लिक्विड फॉर्म में होता है और जब ये सिल्क ग्लैंड्स के डक्ट के हिस्से में पहुंचता है, तब कई फिजिकल और केमिकल परिवर्तनों के कारण ये लिक्विड सॉल्यूशन यानी तरल सॉल्यूशन सॉलिड फॉर्म में बदल जाता है या फिर सॉलिड फाइबर में बदल जाता है। जब जाले का निर्माण करना होता है तो मकड़ी अपनी ग्रंथियों से प्रोटीन युक्त तरल घोल को नलिकाओं के माध्यम से एक स्पिनरेट में पहुंचाता है, जो कि रेशम कटाई अंग है। स्पिनरेट के सिरे में स्पिगॉट्स, जिनके द्वारा रेशों को शरीर से बाहर छोड़ा जाता है। अब स्पिगॉट्स एक नल की तरह काम करता है और फिर मकड़ी के पिछले पैर फाइबर को खींच के बाहर निकालती हैं। क्या आपको पता है स्पाइडर सिल्क हमारे सर के बाल से 20 गुना पतला होता है। अब स्पाइडर सिल्क एक अनोखे प्रोटीन से बनता है और इसको स्पाइड्रोइन कहा जाता है। स्पाइड्रोइन एक प्रोटीन होने की वजह से अमाइनो एसिड्स की श्रृंखलाओं से बना होता है और इसमें सबसे प्रचुर मात्रा में अलानाइन और ग्लाइसिन अमाइनो एसिड्स होते हैं। प्रोटीन के अलावा अन्य रासायनिक यौगिक स्पाइडर रेशम को अन्य गुण भी देती हैं, जैसे पेरोलिडीन, जो रेशम को नम रखता है और जालों पर चींटियों के आक्रमण को भी रोकता है। पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, जो रेशम को फंगल और बैक्टीरियल यानी जीवाणु के आक्रमण से बचाने के लिए अमीलीय बनाया रखता है यानी एसिडिक बनाया रखता है। अब फिर से एक मजेदार क्वेश्चन आप सभी के लिए, ये स्पाइडर का पिक्चर जो आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं, क्या आपको कुछ याद दिला रही है? आपके लिए हिंट है, हैरी पॉटर। कुछ गेस कर पाए क्या? तो ये स्पाइडर सॉर्टिंग हैट के आकार की दिखती है
अब सॉर्टिंग हैट हैरी पॉटर की दुनिया में एक प्रकार की जादुई हैट यानी टोपी है, और क्योंकि सॉर्टिंग हैट का मालिक गॉडरिक ग्रिफिंडर नाम का एक जादूगर है, इसलिए ये मकड़ी जो कि 215 में कर्नाटक में खोजी गई है गॉडरिक ग्रिफिंडर के नाम से जानी जाती है। अब जब हम मकड़ी के सिल्क के बारे में इतना कुछ जान चुके हैं तो क्यों ना मकड़ी के रेशम का कुछ प्रॉपर्टीज यानी गुण भी जान ले। तो मकड़ी के रेशम की एक कॉमन गुण उसका चिपकने का है, जो मकड़ी को विभिन्न स्तर यानी सरफेसेस जैसे दीवारों और पेड़ पर लटकने या शिकार को फंसाने के लिए मदद करती है। वर्तमान में स्पाइडर सिल्क मानव शरीर में किसी भी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया यानी इम्यून रिएक्शन या फिर इम्यून रिस्पॉन्स रिएक्शन को शुरू नहीं करता है, जो इसकी अच्छी जैव अनुकूलता यानी बायो कंपैटिबिलिटी प्रॉपर्टी को दर्शाता है। इसके अलावा ये बायोडिग्रेडेबल यानी जैविक रूप से अपघटित होने वाली भी है। इस प्रकार मकड़ी का रेशम चिकित्सा क्षेत्र में यानी मेडिकल फील्ड में घाव भरने वाली बैंडेज या चोट पर सिलाई यानी तनके लगाने के लिए की सामग्री के रूप में एक संभव सामग्री माना जा रहा है। स्पाइडर सिल्क का अध्ययन उसके विभिन्न यांत्रिक गुणों यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के लिए भी किया गया है, जैसे मजबूती यानी स्ट्रेंथ, विस्तारशीलता यानी एक्सटेंसिबिलिटी और चिमड़ता यानी टफनेस मतलब झटके झेल लेने की क्षमता। क्यों ना हम अब एक एक्सपेरिमेंट करके देखें इन प्रॉपर्टीज इन गुणों को जानने के लिए। मान लीजिए यदि आप कुछ मोटाई की स्टील के तार और उसी के समान मोटाई के कुछ मकड़ी के रेशम के तार लेते हैं और फिर दोनों तारों के एक छोर पर पानी का एक बर्तन लटकाते हैं, फिर उसमें पानी भरने लगे ताकि जान पाए कि कितना पानी तार उठा सकता है। आपको आश्चर्य होगा कि मकड़ी के रेशम स्टील के तार की तुलना में बर्तन में पानी की मात्रा लगभग 2 गुनी उठा सकता है। अब इस प्रयोग में कंटेनर यानी बर्तन के बल के कारण दोनों सामग्री के तनाव के माप को तन्य शक्ति कहा जाता है यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ। इस प्रकार मकड़ी के रेशम की तन्यता ताकत यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ ना केवल रबड़ या नायलॉन से अधिक है बल्कि आश्चर्यजनक रूप से स्टील से भी अधिक है। प्रयोग में जब स्टील और स्पाइडर सिल्क भार ले रही थी, बर्तन के वजन के कारण ये दोनों की लंबाई में खिंचाव यानी विस्तार होता है। किसी भी पदार्थ के इस गुण को एक्सटेंसिबिलिटी कहते हैं। अध्ययनों से पता लगा है कि मकड़ी के रेशम की लंबाई स्टील के तुलना में कई गुना अधिक होती है। तन्य शक्ति यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ और एक्सटेंसिबिलिटी दोनों के संयोजन के कारण मकड़ी के रेशम के फाइबर को तोड़ने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा लगती है और इस गुण को चिमड़ता के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार एक बार फिर मकड़ी के रेशम चिमड़ता में यानी टफनेस में स्टील से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। मकड़ी के रेशम का एक और आश्चर्यजनक गुण इसका कम घनत्व यानी लो डेंसिटी है, जिसका अर्थ है कि मकड़ी का एक तार जो कि पृथ्वी की परिधि पर पूरी तरह लपेटा जा सकता है उसका वजन लगभग 500 से भी कम होगा। ये रेशम तापमान परिवर्तन होने पर भी अपने गुण बनाए रख सकता है। ये विरूपण के बिना 220 डिग्री सेल्सियस तक अपनी मजबूती को बनाए रख सकता है और -40 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर भी अपनी लोच यानी इलास्टिसिटी बनाए रख सकता है। पानी के संपर्क में आने पर मकड़ी के रेशम सुपर कॉन्ट्रैक्शन प्रदर्शित करते हैं, यानी पदार्थ लंबाई में 50% तक सिकुड़ जाता है। मकड़ी के रेशम का ये गुण एक्चुएटर्स बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ के रूप में खोजा जा रहा है। एक्चुएटर्स एक उपकरण या मशीन है जो कि मूवमेंट्स में हेल्प करती है। यदि ये मशीन नमी और तापमान के बदलाव से काम करने लगे तब इनका प्रयोग कृत्रिम पेशियों, रोबोट्स और सूक्ष्म मशीनों आदि के विकास में हो सकता है। अब हालांकि ये सब जितने भी गुण हमने अभी तक जाने हैं अधिकांश प्रकार के मकड़ी रेशम में देखे जाते हैं, लेकिन इन गुणों के परिमाण अलग अलग रेशों में
उस रेशम के विशिष्ट उपयोग के आधार पर भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कि ड्रैगलाइन रेशम, जो जालों का ढांचा निर्माण और लटकने में मकड़ियों के लिए जीवन रेखा के रूप में कार्य करता है, अपनी ताकत और कठोरता के लिए जाना जाता है। इस बीच फ्रेजिलीफॉर्म रेशम ड्रैगलाइन की तुलना में 10 गुना अधिक एक्सटेंसिबल है। शिकार जब जाल में फंस जाता है तब जाल पर खिंचाव पड़ता है, इससे एनर्जी यानी ऊर्जा को झेलने में फ्लेजिलीफॉर्म सिल्क मदद करता है। अब मकड़ी के जाले का उपयोग हजारों साल पहले भी होता था। ग्रीक्स यानी यूनानी घाव से खून बहने से रोकने के लिए मकड़ी के जाल यानी कॉब वेब का इस्तेमाल करते थे, और कुछ आदिवासी लोग मछली पकड़ने में World War II यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दूरबीन और बंदूकों की दृष्टि प्रणाली के ऑप्टिकल उपकरण में स्पाइडर सिल्क यानी मकड़ी के रेशम को क्रॉस हेयर बनाने में इस्तेमाल किया गया था। अनुसंधान में यानी रिसर्च में सबसे अधिक अध्ययन की गई मकड़ियों में से एक मकड़ी है गोल्डन सिल्क ऑर्ब वीवर। इंडिया में जायंट वुड स्पाइडर एक कॉमन ऑर्ब वीवर है। अब स्पाइडर सिल्क के अनोखे गुणों के कारण ये पदार्थ चिकित्सा यानी मेडिकल, सैन्य, मिलिट्री और उपभुक्त वस्तुओं यानी कंज्यूमर गुड्स के क्षेत्र में भी प्रयोगन में लोकप्रिय हुआ है। लेकिन व्यावसायिक स्तर पर ऐसे इस्तेमाल के लिए थोक में यानी बल्क में मकड़ी के रेशम की आवश्यकता होती है। ये सुंदर सुनहरी कपड़ा जो कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, पियर्स एंड गॉडले जो कि एक टेक्सटाइल इंजीनियर एंड फैशन डिजाइनर है, उन्होंने अपने एक प्रोजेक्ट में बनवाया था। इस प्रोजेक्ट में 70 लोगों के मदद से 10 लाख स्पाइडर्स कलेक्ट किया गया, और वो भी 4 साल तक। अब प्रश्न ये है कि क्या हर बार जब भी हमें मकड़ी के फाइबर की जरूरत पड़े तो हम क्या लाखों की संख्याओं में मकड़ियों को इकट्ठा करेंगे, या फिर हम मकड़ियों को पालना शुरू कर सकते हैं जैसे कि हम मुर्गों या पशुओं को पालते हैं। लेकिन इतने सारे मकड़ियों को एक साथ लाना वास्तव में आसान नहीं है, क्योंकि मकड़ियां उनकी शिकारी और एक दूसरे को खा जाने वाली प्रकृति के कारण ये संभव नहीं। तो क्या स्पाइडर सिल्क रासायनिक तरीकों यानी केमिकल सिंथेसिस से बनाया जा सकता है? लेकिन फिर से सीमित समझ के कारण ये अभी तक संभव नहीं हो पाया है। तो दूसरा विकल्प जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जो कि फिलहाल एक लोकप्रिय संभावना है। अब स्पाइडर सिल्क के उत्पादन पर रिसर्च अनुसंधान दो प्रमुख प्रकार की हो रही है। एक जो अनुवंशिक इंजीनियरिंग यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग पर आधारित है, जहां मकड़ी के जीन में बदलाव करके अधिक मात्रा में मकड़ी प्रोटीन का उत्पादन करने की कोशिश की जाती है। एक अन्य दिशा स्पाइडर सिल्क के गुणों और संरचना की समझ के आधार पर मानव निर्मित रेशों में बदलाव करना, जो मकड़ी के रेशों के गुण दर्शा सके। जेनेटिक इंजीनियरिंग में स्पाइडर सिल्क प्रोटीन के डीएनए अनुक्रम यानी सीक्वेंस जीन अनुभाग को मकड़ी से दूसरे जीव में ट्रांसफर किया जाता है। ये ठीक उसी तरह है जैसे कि डाटा को ट्रांसफर करने के लिए सिम कार्ड को एक सेलफोन से दूसरे सेलफोन में ट्रांसफर करते हैं। इस प्रकार स्पाइडर जीन का उपयोग बैक्टीरिया, खमीर, रेशम कीट के साथ साथ ट्रांसजेनिक बकरियों सहित विभिन्न जीवों में किया गया है, जिनसे बड़ी मात्रा में स्पाइडर सिल्क जैसे प्रोटीन का उत्पादन किया जा सकता है। अब ये उत्पादित प्रोटीन तब जीव से निकाला जाता है। प्रोटीन जो जीव के शरीर से निकाला गया था, अब प्रश्न है कि इसको फाइबर फॉर्म में कैसे बनाया जा सके। तो प्रोटीन जो जीव के शरीर से लिया गया था, उसे आर्टिफिशियल स्पिनिंग तकनीकों द्वारा, जो कि मकड़ी के स्पिनरेट की तरह काम करे, उसे फाइबर के रूप में परिवर्तन किया जाता है। कुछ व्यावसायिक यानी कमर्शियल कंपनियों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग करके कृत्रिम मकड़ी के रेशम से सौंदर्य प्रसाधन और वस्त्र का उत्पादन किया है। इसलिए स्पाइडर प्रोटीन के उत्पादन के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक को कुशल तकनीक माना जा रहा है। हालांकि स्पाइडर सिल्क की नकल करने में एक उल्लेखनीय सीमा यानी लिमिटेशंस हैं। ये कि स्पाइडर यानी आर्टिफिशियल स्पाइडर प्रोटीन के अणु नेचुरल स्पाइडर प्रोटीन की तुलना में आणविक भार में कम और संरचना में छोटे और सरल होते हैं, जिससे आर्टिफिशियल सिल्क नेचुरल स्पाइडर सिल्क से मजबूती और लचीलेपन यानी मोड़ की क्षमता में आधा होता है। हालांकि प्रोटीन को फाइबर में बदलने के लिए बहुत सारे आर्टिफिशियल स्पिनिंग तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है,
पर ये मकड़ी की स्पिनरेट की तरह कुशल यानी एफिशिएंट नहीं है क्योंकि आर्टिफिशियल प्रोटीन की क्वालिटी कम होती है। कुछ अन्य हानियां हैं, ऊंची कीमत, ऊर्जा की अधिक खपत, लंबी प्रक्रिया, खतरनाक केमिकल्स का प्रयोग से पर्यावरण को हानि होने का संभावना और प्रक्रिया में उत्पादित अनचाहे वेस्ट और ब्राई प्रोडक्ट्स के मैनेजमेंट की आवश्यकता। वैज्ञानिक नए गुणों वाले स्पाइडर सिल्क युक्त धागे बनाने के लिए हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का भी उपयोग कर रहे हैं। इस टेक्निक में स्पाइडर प्रोटीन और कार्बन नैनोमटेरियल्स को मिलाकर हाइब्रिड सिल्क बनाया जाता है जिनमें दोनों पदार्थों के वंशित गुणों मौजूद हो ताकि उत्पाद उत्कृष्ट यांत्रिक और जैव आधारित गुणों के कारण बेहतर प्रदर्शन देंगे। मजे की बात यह है कि कुछ साइंटिस्ट ने पानी में ग्राफीन माइक्रोफ्लेक्स और कार्बन नैनोट्यूब्स डालकर एक अनोखा घोल यानी सोल्यूशन बनाया है। इस सोल्यूशन को मकड़ियों को खिलाया गया और परिणाम स्वरूप मकड़ी ने जो भी सिल्क बनाया इस नए सिल्क की टेंसाइल स्ट्रेंथ 3 गुना और टफनेस साधारण स्पाइडर सिल्क से 10 गुना थी। लेकिन प्रकृति में तो स्पाइडर शिकार करके अपना पेट भरती है ना। अब ये स्पाइडर जो कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं बगीरा किपलिंगी नाम से जाना जाता है। अपने अनोखे आधार के व्यवहार की वजह से ये अन्य मकड़ियों से हटकर है। क्या आप गेस कर पाए कि क्या है इसका वो असाधारण व्यवहार? जी, ये मकड़ी ज्यादातर शाकाहारी आहार खाती है। और एक मजे की बात यह है कि इस मकड़ी का नाम रुडयार्ड किपलिंग जो कि जंगल बुक के राइटर है उनके नाम और उस किताब की एक कैरेक्टर बघीरा से प्रेरित है। पॉलीमर इंजीनियरिंग के क्षेत्र के साइंटिस्ट कृत्रिम पदार्थों यानी रेशों को डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं जो नेचुरल स्पाइडर सिल्क के संरचना और गुणों को नकल यानी निमित करते हैं ताकि इसे व्यवसायिक औद्योगिक स्तर पर बढ़ाया जा सकता है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट ने हाइड्रोजेल नामक एक सामग्री यानी मटेरियल से रेशे बनाए हैं। हालांकि ये रेशे सबसे मजबूत मकड़ी रेशम जितना मजबूत नहीं है पर ये कमरे के तापमान पर बनाया गया और इनमें सुधार की गुंजाइश है। लेकिन फिर से इस मटेरियल का बड़े स्तर पर उत्पादन एक बड़ी चुनौती है। स्पाइडर सिल्क ना तो सबसे मजबूत और ना ही सबसे एक्सटेंसिबल यानी विस्तारशील पदार्थ है पर ये दोनों गुणों के साथ का एक सबसे अनोखा उदाहरण है। हालांकि कुछ इंडस्ट्रियल कंपनीज रिसर्च इंस्टीट्यूट्स कृत्रिम स्पाइडर सिल्क का उत्पादन औद्योगिक स्तर पर करने के लिए काफी हद तक प्रोग्रेस कर चुके हैं लेकिन अभी तक नेचुरल स्पाइडर सिल्क के बराबर नहीं है जो स्पाइडर के शरीर के तापमान और प्रेशर में बिना किसी भी हानिकारक केमिकल्स के उपयोग के बिना भीतर उत्पन्न हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप फिल्म के काल्पनिक और वैज्ञानिक हिस्सों को समझ पाए होंगे। और हाँ, आपने महसूस किया होगा कि स्पाइडरमैन का गैजेट हमारी टेक्नोलॉजी से बहुत ही आगे है क्योंकि अगर आपको कभी भी मार्वल कॉमिक्स पढ़ने को मिले तो आपको पता चलेगा कि स्पाइडरमैन न केवल कुशलता से वेब लिक्विड और सिल्क बनाता है बल्कि बर्फ के जाले, चुंबकीय जाले और आग वाले जाले बनाने में भी माहिर है। तो देखते हैं कि हम कितना समय लगाते हैं नेचुरल स्पाइडर सिल्क के बराबर आर्टिफिशियल स्पाइडर सिल्क बनाने में और कौन जानता है कि फ्यूचर में आप में से कुछ जो मटेरियल साइंस रिसर्च में रुचि रखते हैं आर्टिफिशियल स्पाइडर सिल्क बनाने के इस क्षेत्र में काम करेंगे क्योंकि अभी भी बहुत कुछ जानने की जरूरत है। देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि आप सबको कुछ नया जानने को मिला और साथ ही साथ मजा भी आया होगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट HBCSC स्टीम वेबसाइट बोर्ड पर जरूर जाइए और अपने कमेंट्स और सजेशंस यूट्यूब पर या हमारे ईमेल आईडी पर जरूर लिखें। तो फिर से आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते। बाय बाय।